नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान, आप देख रहे हैं चैनल डी। चुनावी प्रक्रिया के दौरान इस समय हम पहुंचे हैं गांव काशी का बास में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सरपंच पद की प्रत्याशी विनोद कुमारी जी, जो खुद एक टीचर है, बीएड कॉलेज में वो एक अरसे से पढ़ा रही है बच्चों को, वो एक स्पोर्ट्समैन भी है और किसान आंदोलन के दौरान जो आंदोलन के मुखिया थे राकेश टिकैत, उनसे वो सम्मानित भी हो चुकी है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव में वो उतरी है तो क्या उनके पास मुद्दे हैं, क्या उनके पास योजना है और क्या वो ग्रामीणों से अपील करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल डी पर स्वागत है। सर, आपका भी हमारे यहाँ गाँव में पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत। लोगों जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप एक गृहिणी हैं, महिला हैं और मैंने सुना है कि आप एक स्पोर्ट्समैन भी रही हैं और आप एक टीचर भी हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सर, मैंने एमए बीएड की हुई है और स्पोर्ट्स में भी प्लस टू तक मेरा स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स तक मेरे गेम्स किए हुए हैं और मैंने प्राइवेट सेक्टर में आज मेरे को 13 साल हो गए जॉब करते हुए, तो मेरा अच्छा रहा फील्ड का और ज़्यादा नॉलेज भी बना मेरा बाहर रह के, गांव से बाहर निकल के। जी, तो आप एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, टीचर भी हैं और एक गृहिणी भी हैं, तो आपने एकदम से राजनीति में आने की क्यों सोची? सर, ये राजनीति का मेरा ये था कि गांव के विकास के बारे में, कि गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए मैंने ये सुझाव लिया और गांव वासियों ने हमें इसी सरपंच पद के लिए चुना है और वो ही बोल रहे हैं कि हमारे गांव की समस्या सबसे पढ़े लिखे होने के नाते आप ही कर सकते हैं। जी, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप मैदान में उतरे हैं? मुद्दे तो मेन सर ये गांव का विकास का है कि गांव में गलियां वगैरह, नालियां वगैरह नहीं बनी हुई है, जगह जगह टूट फूट हो रखी है नालियों की, और जो गांव की चौपाल है, सरकारी बिल्डिंग और भी है गांव के अंदर, स्कूल भी है, उन सबको हम नया निर्माण करवाएंगे और जो लाइट पानी की समस्या है गांव में उनका भी समाधान करेंगे और मेन शिक्षा, खेलकूद और स्वास्थ्य के बारे में पूरा गांव में ध्यान रखा जाएगा। जी, तो जैसे आपने बताया कि आप शिक्षा के लिए प्रयास करेंगी, एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए आपके पास कोई योजना है? सर, महिलाओं के लिए क्योंकि हमारे गांव से बच्चियों को दूर दराज जाना पड़ता है, गांव में सिर्फ ही 8वीं तक का स्कूल है तो गांव की लड़कियां ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पा रही, उनके लिए सर मैं यहाँ लाइब्रेरी का, कंप्यूटर सेंटर और सिलाई सेंटर, रोज़गार के जो भी साधन सरकार से उपलब्ध होंगे वो मैं बच्चियों को ज़रूर करवाऊँगी सर। और शिक्षा के लिए, शिक्षा के साथ साथ में स्पोर्ट्समैन भी आप हैं, आप जानती हैं कि खिलाड़ी का जो है वो भाव क्या होता है, तो ऐसी कोई योजना आपके पास? सर, खेल के बढ़ावा देने के लिए गांव में जो खेल के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी, ग्राउंड स्टेडियम की तरह जो बच्चों को, उसमें जो भी सामग्री बच्चों को प्रोवाइड करवानी है खेल के, वो हम बच्चों को ज़रूर देंगे और बच्चों के रुझान है जो खेल की तरफ ज़्यादा देंगे, शिक्षा और खेल की तरफ, तो बच्चे का आगे भविष्य अच्छा बनेगा। जी, कोई महिलाओं के लिए, कोई उनके प्रशिक्षण के लिए, कोई उनको रोजगार देने के लिए कोई योजना है? सिलाई सेंटर और कंप्यूटर, सर सिलाई सेंटर और कंप्यूटर का जो है वो करवाएंगे उनको, जो शिक्षित महिलाएं हैं उनको वहाँ रोजगार दिलवाएंगे। गांव वालों से कोई अपील करना चाहेंगे इन चुनावों को लेकर के, आपके चुनाव निशान के बारे में कोई और जानकारी? आप वो गाँव वासियों से मेरी यही अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के हमें विजयी करें, और वैसे तो गांव के जो भी 36 बिरादरी के लोग हैं हमारे गांव के, उनका पूरा समर्थन है, पूरे गाँव वासियों के समर्थन से ही आज हम इस जगह पहुँचे हैं। तो आप अपना चुनाव निशान भी बताएंगी और क्या अपील करना चाहेंगी लोगों को? सर, मेरा चुनाव निशान गिलास का है, सभी ग्रामीणों से मेरा यही रहेगा कि गिलास पे अपना निशान लगा के विजयी करें। मैं नहीं, गलत हो गया।